हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट व्यू में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है और उसकी क्या बेस्ट SIP डेट हो सकती है। तो ये सब को समझने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी को समझना पड़ेगा कि निफ्टी कब डाउन जाता है और कब अप आता है। तो इसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और हम जाएंगे निफ्टी 50 के चार्ट से, क्योंकि पूरा मार्केट एक तरीके से निफ्टी 50 पर ही डिपेंड होता है। वो जैसी चाल चलती है मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करता हूँ और अभी चार्ट लोड हो रहा है। तो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, इसमें मैंने कुछ लाइनें बनाई हुई है। तो ये लाइनें शो करती हैं कि मार्केट जो है वो जो मंथ एंड की एक्सपायरी के आसपास होता है तब फॉल करता है। ये मैंने पिछले एक साल का डेटा मार्क किया हुआ है। आप चाहें तो और भी डेटा मार्क कर सकते हैं इसमें, बट समझने के लिए एक साल का डेटा ही काफ़ी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डेट से मार्क की हुई है नीचे, 23 अक्टूबर, 21 अगस्त। तो ये क्या था कि ये थी लास्ट डेट्स हर मंथ की जिनमें मार्केट हमेशा फॉल करता है, और मार्केट जो मंथ की स्टार्ट डेट होती है उनमें ऊपर चलता है। उसका रीज़न ये है, मोस्टली लोगों की जो सैलरी है वो 1 तारीख को आती है। तो कुछ इस तरीके से होता है ये कि कुछ लोगों की सैलरी 1 तारीख को आती है, कुछ की फिर 5 को आती है, कुछ की 10 को आती है, कुछ की 15 को आती है, और कुछ की आती है आपकी 30-31 को। जैसे IT इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 30-31 को आती है। उस टाइम पे सारा इन्फ्लो चलता है, उस इन्फ्लो की वजह से निफ्टी आपका रिएक्ट करता है और वो ऊपर चलने लग जाता है। और मंथ एंड होते होते जब सब लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो FIIDII ले जाते हैं। तो यहाँ से हमने समझ लिया। तो अब हम देखेंगे क्या इसका रियली में म्यूचुअल फंड पे कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं। तो उसके लिए हम एक और टैब खोलेंगे। टैब में हम जाएंगे मनी कंट्रोल के अंदर। जब हम मनी कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो जो लोग नया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं SIP में, तो वो मंथ के एंड में ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको NAV सस्ती मिल जाएंगी थोड़ी सी। लेकिन जिनकी पहले से ही चल रही है वो पहले अपना एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी डेट होनी चाहिए। हर म्यूचुअल फंड अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, स्मॉल कैप अलग तरीके से और लार्ज कैप अलग तरीके से। तो ये मनी कंट्रोल की साइट खुल गई, आपको दिख रहा होगा ये म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप यहाँ जाएंगे पहले टॉप रैंक फंड में। तो यहाँ आपको 5-स्टार जो रैंक वाले फंड हैं वो मिल जाएंगे। ये इक्विटी सेलेक्टेड है, हमें इक्विटी फंड सेलेक्ट करना है। तो 5 और 4 स्टार से नीचे नहीं जाना है, या तो आप चूज करिए 5 स्टार में से या चूज करिए 4 स्टार में से। फंड्स खुल गए, तो उन्होंने अपना ये दिखाया हुआ है कि कितना वो एसेट मैनेजमेंट करते हैं, उनकी क्रिसिल रैंकिंग क्या है और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है 10 सालों में, ये यहाँ पे मेंशन है। तो जैसे हम मान लीजिए किसी भी एक को ये 3 साल का रिटर्न आप देखिए, 3 साल में हर फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट इस फंड ने देखिए तो 37% का रिटर्न दिया, यानी और फंड्स को भी बीट किया है पिछले 3 साल में। अब आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, उसके अलावा आपका निपॉन इंडिया फंड है, इसने भी 37% का रिटर्न दिया। तो अब ये स्मॉल कैप फंड है, इसने 44% का रिटर्न दिया पिछले 3 साल में। तो लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट कंडीशन भी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना में मार्केट फॉल हुआ था तो लार्ज कैप कम गिरता है और स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जहाँ आपका लार्ज कैप 3 या 4% गिरेगा, 15% गिर जाएंगे। फॉलो सब लार्ज कैप यानी निफ्टी 50 को ही करते हैं, बट फिर बाद में रिटर्न भी चल। नोटिस करने वाला है वो ये कि म्यूचुअल फंड के SIP के लिए आपको वेट करके तभी उठाना चाहिए जब मार्केट बहुत अच्छे से करेक्ट हो चुका।
अब जिसने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि मेरे को तो आज ही से स्टार्ट करनी है, फिर तो वो अपनी एसआईपी कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए इसको चुनते हैं, इस फंड को चुना। ये डायरेक्ट प्लान है, यानी इसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब नीचे आएंगे तो ये दिखा रहा है चार्ट। अब यह ब्लू लाइन है, ये फंड की लाइन है, और ये निफ्टी स्मॉल कैप की लाइन है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसको मेजरमेंट किया गया है स्मॉल कैप फंड से, तो ये इसने स्मॉल कैप को हमेशा बीट किया है और उससे काफ़ी गैप में चल रहा है हमेशा से। जबकि निफ्टी स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न नहीं दिया जितना इसने दिया। तो एक पहला एनालिसिस आपने चार्ट देख लिया, अब दूसरा एनालिसिस देखते हैं कैलकुलेट रिटर्न पे जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे है मेन कैलकुलेट रिटर्न में, हम यहाँ डेट चेंज करके देख सकते हैं। आप डेट चेंज करके आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी डेट बेस्ट है, जहाँ पे आपको 1-2% और फालतू रिटर्न मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, 3 साल का डेटा उठाने वाली है 2020 से, और हम पहले 1 अक्टूबर से चालू करते हैं, इसको रखते हैं 1 अक्टूबर। तो अब हम इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है आपने 10,000 रुपीज़ सबमिट किए हैं, आपने 10,000 के एसआईपी किए 3 साल में, तो इसमें कितना रिटर्न निकाला, ये लमसम में निकाल रहा है। सबमिट करते हैं तो इसने 44% रिटर्न निकाला, ये वो वहाँ दिख भी रहा था 44 निकाला। अब इस डेट को चेंज करके 5 तारीख करिए। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा रिसर्च में टाइम लगाया करिए, क्योंकि हर एक का पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, थोड़ा सा बस माइनर सा आपको इधर चेंज आया। अब इसको आप 10 करके देखिए, करने के बाद फिर से सबमिट करेंगे। तो अब ये देखिए ये बढ़ गया है इसका 10 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख तक काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि हम 1 तारीख को इन्वेस्ट करें। तो अभी 10 तारीख को जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके रिटर्न में थोड़ा इजाफा आया। अब ये 15 करते हैं, 15 तो अब ये देखिए 2.5% से रिटर्न बढ़ गया। जैसे ही डेट आगे बढ़ी रिटर्न 2.5% से आगे बढ़ गया। तो यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होनी होती है, जो भी एसआईपी कर रहे हैं इस फंड के लिए, उन्होंने 10 तारीख तक कर दी, लेकिन अच्छा रिटर्न ये इस टाइम फ्रेम में निकाला है इसमें। जिन्होंने इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने ये डेट सेलेक्ट करी हुई थी, उन्होंने 2.5% रिटर्न ज़्यादा निकाला है। 20 तारीख में करने के बाद सबमिट करिए, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी 1 और 5 तारीख वाले से ज़्यादा हुआ। 1.25 करके सबमिट करेंगे तो ये रिटर्न आपका और उससे कम ही हो गया 42%। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इस फंड के लिए बेस्ट डेट जो निकल के आई है वो 15 तारीख आई है, अगर हम 3 साल का डेटा देखें। हम 3 की जगह अगर 5 साल का डेटा देखते हैं तो क्या होता है। इसको हमने कर लिया 1 तारीख से, ये फिर से करते हैं। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप खुद भी लगा के देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से गाइड कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको यही म्यूचुअल फंड खरीदना है, वैसे म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं, पर पैसा जो है वो स्मॉल कैप में और मिड कैप में होता है, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो उनका जो सेल रेवेन्यू होता है वो एक ऑलमोस्ट ऐसे 10-12% के रेट से बढ़ता है, तो उससे आपकी वेल्थ बड़ी नहीं होगी। आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है पर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसने 26% का रिटर्न निकाला। 5 तारीख डालते ही रिटर्न बढ़ गया आपका 1.5% से। इस करने के बाद ये रिटर्न आपका और बढ़ गया 2.5% से। 15 तारीख में इसने 27% निकाला,
ये मतलब इससे भी थोड़ा कम था, तो लॉन्ग टर्म के होराइजन में आप देखते हैं 20 तारीख में जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ा आपके रिटर्न में वो इफेक्ट दिखना स्टार्ट होगा। अब ये देखिए इसमें 20 तारीख है इसमें अच्छा रिटर्न निकला अगर ये 5 साल का होराइजन है, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया था वो एक बड़े फॉल के बाद उसे ज़्यादा दिया उसने 15 तारीख वाले टाइम फ्रेम में, और अब 5 साल वाले टाइम फ्रेम में ये इस डेट पर रिटर्न निकाल रहा है। चेस करके देख लो लॉन्ग टाइम फ्रेम उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है उसमें ज़रूर आप 2% तक का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसे 2013 का रिटर्न करता हूँ, 2013 की 1 तारीख, अभी 10 साल का रिटर्न है, इसको सबमिट करते हैं। इसने निकाला 30.94% रिटर्न पिछले 10 साल में, और आपका पोर्टफोलियो बढ़ा 1381% की रेट से। ये एनुअलाइज रिटर्न है, ये आपका प्रॉफिट बुक, आपने 10,000 डाले 10 सालों में इस फंड में, और इसने बनाए आपके 1,48,000 से 10,000 रुपये थे, और ये लमसम इन्वेस्टमेंट थी, आपने हर महीने नहीं डाले, तो 10 साल में ऐसा इस म्यूचुअल फंड ने किया। 30.77 था, ये थोड़ा कम हो गया, बट ये आप मतलब अगर इसको पहचान गए तो आप कम से कम अपना एग्जिट लोड तो बचा ही सकते हैं। जो पैसे आपके एग्जिट लोड में कटने वाले थे, जैसे आपके म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाले ले जाएंगे, एटलीस्ट उस पैसे को आप यहाँ से एनालाइज करके बचा सकते हैं। तो मैं इसको 15 सेलेक्ट करता हूँ, 30.42 हो गया पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा, तो 20 में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मींस आपने ये देखा जितना टाइम फ्रेम आपका बढ़ गया उसमें सिर्फ पीछे के जो पॉइंट्स हैं इनमें इम्पैक्ट आ रहा है, आगे का जो रिटर्न है वो उतना ही है। तो लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में तो वो एनुअलाइज रिटर्न पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता नहीं है, बस आपकी ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। करके देखिए 25 में आप देखिए 1% आपकी कम हिसाब से देखें, सिर्फ इस फंड के हिसाब से इसके लिए लॉन्ग टर्म में जो 20 तारीख वाली वैल्यू है वो ज़्यादा सही निकल के आ रही है। इसी तरह आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदे हुए उनको एनालाइज करिए, अगर आपको ऑप्शन देते हैं रेट चेंज करने का उस बेस पे आप रेट चेंज कर सकते हैं। वैसे तो जो हिस्ट्रिकल रिटर्न होते हैं वो फ्यूचर की गारंटी नहीं देते हैं, बट कहते हैं ना कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। आप कम से कम अपने म्यूचुअल फंड के जो एग्जिट लोड्स हैं या आपके म्यूचुअल फंड वाले जो चार्ज आपसे लेंगे जब आप म्यूचुअल फंड को एग्जिट करेंगे उसकी वैल्यू आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।